वेलकम स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं और हम यूनिट फर्स्ट पर हैं। और यूनिट फर्स्ट में जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है आपका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इससे पहले हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ लिया है। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस दो टाइप की होती हैं, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो इक्वेशंस हैं जो पार्टिकल ड्यूअल नेचर डिफाइन करता है, उसके साथ जो वेव एसोसिएट होकर चलती है और उसको हम बोलते हैं मैटर वेव। तो उस मैटर वेव को इक्वेशन की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं श्रोडिंगर, और उन्हीं को नाम दिया जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन जितना ज़्यादा आप इसको समझेंगे उतना ही ज़्यादा आपको पता चलेगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्चुअली है क्या। अदर यूट्यूब चैनल्स पर सीधा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा दिया जाएगा कि श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन का डेरिवेशन, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का डेरिवेशन। और बच्चे को यही नहीं पता होगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, कैसे ये ओरिजिन हुआ और कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। ठीक है, तो जान लेते हैं फिर से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो डिस्क्राइब करती है द एनर्जी एंड पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन की पोजिशन और उसकी एनर्जी को डिस्क्राइब करती है किसमें, इन स्पेस एंड टाइम। देन टेकिंग इन टू अकाउंट द मैटर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट होकर चल रही है और वेव का नेचर है जिसको हम मैटर वेव बोलते हैं इनसाइड एन एटम, उसको डिस्क्राइब करती है। ठीक है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। क्लियर, आई होप और अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे आते हैं आज के टॉपिक पर, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं थ्योरी में क्या है। द श्रोडिंगर इक्वेशन हैज टू फॉर्म्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, वन इन विच द टाइम एक्सप्लिटली अपीयर्स एंड शो डिस्क्राइब हाउ द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल विल डेवलप इन द टाइम। यानी कि दो फॉर्म होती हैं समटाइम्स, जो आपका पार्टिकल की जो वेव फंक्शन है वो डिपेंड करता है टाइम पर। ठीक है, इन जनरल द वेव फंक्शन बिहेव लाइक्स ए वेव, और वेव फंक्शन बिहेव करता है एक वेव की तरह। एंड सो द इक्वेशन इज ऑफ्टन रेफर टू एज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और जो वो वेव फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या जो टाइम पर डिपेंडेंट है, वो जो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, उसको हम फिर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोल देते हैं। देन द अदर इज द इक्वेशन इन विच द टाइम डिपेंडेंट हैज बीन रिमूव्ड, दैट मीन्स हैंस इज नोन एज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। यानी कि यही चीज अगर टाइम पर डिपेंड नहीं करती है तो उसको हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, देखते हैं। तो द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज यूज टू डिस्क्राइब हाउ ए सिस्टम चेंज ओवर टाइम। यानी कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो डिस्क्राइब करती है सिस्टम के बारे में कि कैसे वो चेंज होता है ओवर द टाइम। फुल स्टॉप। दिस इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इक्वेशन एंड इट इज यूज्ड इन मैनी डिफरेंट फील्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक है, यानी कि एक कॉमन फॉर्म है इक्वेशन की और जिसको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में फिजिक्स में यूज किया जाता है। ठीक है, वैसे हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो उसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को भी उसमें बताया गया है और उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो भी मैंने आपको वहां पर बताई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आपकी सहूलियत के लिए मैंने पहले से ही ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिससे कि वीडियो और थोड़ा लेंथी ना हो जाए, जितना छोटे से छोटा वीडियो हो सकता है और इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर की जाए वो किया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इन द डेरिवेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पोटेंशियल इज टेकन एज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। यानी कि जो हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा है
टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसमें हमने माना था कि जो पोटेंशियल है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। इफ हाउएवर इन द सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डज डिपेंड ऑन द टाइम, जबकि पोटेंशियल एनर्जी टाइम पर डिपेंड करती है सिस्टम की, तो टोटल एनर्जी भी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइम। दैट मीन्स देयरफोर वन हैज टू कंसीडर द टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन एंड इक्वेशन विल बी रेफर्ड टू एज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, वहीं पर अगर हम माने कि जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है जो सिस्टम पर अप्लाई है वो अगर डिपेंडेंट है टाइम पर, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो भी टाइम पर डिपेंड करेगी, और फिर जो इक्वेशन वहां से आएगी दैट्स कॉल्ड द टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, एक मिनट यहां पर। तो यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, एक्चुअल में जब हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन कर रहे थे तो वहां पर जो हमने वेव इक्वेशन ली थी वो थ्री डायमेंशन में ली थी, यानी कि तीनों एक्सेस पर अगर वेव हमारी मूव कर रही है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड। लेकिन हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि आपका वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर सिंपलिसिटी द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए वन डायमेंशनल वेव मोशन इज गिवन एज। तो वहाँ पर हम इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है, डेल स्क्वायर क्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर क्यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। और जो वी है यहाँ पर ये वेव वेलोसिटी है किसकी, जब पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, और क्यू क्या है, हमने एक फॉर्म में जो वेव फंक्शन है वो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, जो हम वेव यहाँ पर मोशन करा रहे हैं उसके लिए हमने मान लिया कि वेव फंक्शन उसके लिए क्यू है। ठीक, ये आपका उस मैटर वेव के लिए नहीं है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं, देन वी गेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज गिवन एज। तो हमें क्या मिलता है, q इक्वल्स टू a e की पावर i ओमेगा ब्रैकेट में t माइनस x अपॉन v। ठीक है, ये आपको टर्म याद करनी पड़ेगी, आपको इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करके नहीं दिखाना है, बस सिंपल आपने वन डायमेंशनल में वेव का मोशन माना और उस वेव का मोशन का जो हमारा सॉल्यूशन आएगा सॉल्व करने के बाद वो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हम इसको टू टाइम्स इंटीग्रेट करते हैं फाइनली वी गेट दिस फॉर्म। और a यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड है वेव का। ठीक है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर फंक्शन हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक कॉन्स्टेंट है। ठीक, अब लिखेंगे सिंस द सॉरी सिंस द वेव इक्विवेलेंट to a free particle moving along positive x direction may be expressed by a corresponding equation as, क्या हो जाएगी, साई x कॉमा टी। ठीक है, अब हमने वेव फंक्शन ले लिया, अगर हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है दैट्स कॉल्ड द मैटर वेव, और मैटर वेव के लिए जो वेव फंक्शन होता है वो साई होता है, और हमने जो मोशन लिया है वो वन डायमेंशनल लिया है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम एक्स को ही लेकर चल रहे हैं।
ठीक है, और टाइम का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो टी है। अब हम इसको लिखेंगे ई की पावर आई ओमेगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका टी माइनस एक्स अपॉन वी। ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशन हम मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको टर्म्स क्लियर हुई होंगी क्या क्या चीज़ें हमने लेकर चले। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, लिखेंगे सिंस वी नो दैट ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई न्यू, है ना, एंड न्यू इक्वल्स टू होता है वी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लैम्डा न्यू। तो अगर हम जो इक्वेशन सेकंड है उसमें वैल्यूज पुट करते हैं देन वी गेट साई एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस आई 2 पाई न्यू, ओमेगा की वैल्यू हमने पुट कर दी है, ब्रैकेट में टी माइनस एक्स अपॉन वी को हम ऐसे ही लिखते हैं, या फिर हम वी की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं न्यू लैम्डा। ठीक है, देन अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर तो ए इंटू ई की पावर माइनस आई 2 पाई, ये हो जाएगा न्यू टी माइनस एक्स न्यू अपॉन न्यू लैम्डा। ठीक है, न्यू से न्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी गेट ए इंटू की पावर माइनस आई 2 पाई, यहाँ पर बचेगा न्यू टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, चलिए अब अगर हम देखें तो लैम्डा की वैल्यू भी होती है, सिंस वी नो दैट इक्वल्स टू एच न्यू, है ना, एंड यहाँ से न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई अपॉन एच, और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन पी, है ना। ये तो आपका क्या है, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट है, या मैटर वेव की वेव लेंथ होती है। तो ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पर पुट करें देन वी गेट ए इंटू ई की पावर आई 2 पाई, सॉरी माइनस में है, और न्यू की जगह पर ई अपॉन एच पुट करेंगे तो ई अपॉन एच इंटू टी माइनस लैम्डा की जगह पर एच अपॉन पी पुट करेंगे देन वी गेट पी एक्स अपॉन एच। ठीक है, अगर हम यहाँ से एच की वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं तो वी गेट ई ए इंटू ई की पावर माइनस आई 2 पाई अपॉन एच, और ब्रैकेट में बचेगा ई टी माइनस पी एक्स। ठीक है, सिंस हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में एच क्रॉस इक्वल्स टू होता है एच अपॉन 2 पाई, देन यू कैन राइट ए इंटू ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट में ई टी माइनस पी एक्स। तो आई होप ये जो फंक्शन है आपका मैटर वेव का इन टर्म ऑफ एक्स डायरेक्शन एंड इन टर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट टाइम टी, आपको फाइनली ये टर्म मिल जाती है ए इंटू ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट में ई टी माइनस पी एक्स। आप इसको इक्वेशन नंबर थर्ड पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं कि हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे पार्शियली, और फिर टी के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली डिफ्रेंसिएशन। तो सबसे पहले हम इक्वेशन थर्ड का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लिखेंगे नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड ट्वाइस विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा, अगर हम करते हैं फर्स्ट टाइम डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू ए, है ना,
ब्रैकेट में ई की पावर जो भी है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई अपॉन एच क्रॉस, ब्रैकेट में आपके पास क्या है ई टी, तो वो तो टर्म हो जाएगी 0 माइनस पी एक्स, तो वो आएगा आपके पास पी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ई की पावर एक्स एज इट इज़ रहेगा माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट में ई टी माइनस पी एक्स। ये क्यों होता है, क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स अगर हम कर रहे हैं किसका, ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स ऐसे ही रहेगी और फिर एक्स का हम करेंगे तो वो 1 आ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही आपका यहाँ पर हुआ, ई की पावर में जो था वो एज इट इज़ रहा, और फिर ई की पावर में जो है उसका जब हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो देन वी गेट दिस वन। सिमिलरली अगेन वी कैन डिफ्रेंसिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट ए, ई की पावर वाली वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी, फिर आपको यही वैल्यू मिलेगी, तो हम इस पर स्क्वायर लगा देते हैं कंप्लीट, देन ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, ठीक है। जब हम ब्रैकेट को या स्क्वायर को ओपन करते हैं देन वी गेट डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ये हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, ठीक है। और अगर हम इसको अरेंज करें देन ए इंटू ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स इंटू आई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर, तो आप ये देख रहे होंगे ये टर्म वही है जो हमने स्टार्टिंग में डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया था, तो हम इसको साई भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, चूंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई, ये टर्म आपको मिल जाएगी। और मैं यहाँ से अगर पी स्क्वायर की वैल्यू यानी कि मोमेंटम के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो देन वी गेट माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन साई इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये टर्म आपको मिल जाएगी। पुट दिस वन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब एक्स के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया है, अब ऐसे ही हम टी के रेस्पेक्ट में करते हैं। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू टी, तब हमें क्या मिलता है, यहाँ पर लिखते हैं डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू सेम एज इट इज, ई की पावर एज इट इज रहेगा, ए कांस्टेंट है, ई की पावर ऐसे ही रहेगा, आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, और फिर जब ई की पावर की हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ब्रैकेट में ई बचेगा -0, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, देन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं, देन वी राइट हेयर डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस इंटू ए ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी, क्लियर हुआ। चल अगर हम आई की वैल्यू आई की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों से कर देते हैं तो यहाँ पर आई स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर आई बन जाएगा, और आई स्क्वायर कैंसिल आउट होकर इसको प्लस बना देगा, तो दैट मीन्स डेल साई अपॉन डेल टी ऑल्सो रिटन एज ई अपॉन आई एच क्रॉस इंटू साई।
और अगर मैं यहाँ से ई की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो हमें क्या मिलेगा, ई इक्वल्स टू आई एच क्रॉस अपॉन साई इंटू डेल साई अपॉन डेल टी। ठीक है, आपको ये टर्म मिल जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये आई की वैल्यू हो जाती है, वो सॉरी ई की वैल्यू एनर्जी की। वी कैन पुट इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, फिर लिखेंगे सिंस वी नो दैट जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी वो इक्वल्स टू होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल वी। ठीक है, और टोटल एनर्जी ई, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल, दैट मीन्स अगर हम एम की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस वी, और ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम हो जाएगा प्लस वी। ठीक है, ये वैल्यूज आपको मिलेंगी। नाउ अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं वैल्यूज। नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ ई एंड पी स्क्वायर, देन हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पर लिखते हैं तो ई की वैल्यू यहीं पर लिखी हुई है आई एच क्रॉस अपॉन साई इंटू डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू। ठीक है, अब हम जब पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं देन वी गेट माइनस एच स्क्वायर साई अपॉन टू एम साई इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पी स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की है ये हम लास्ट में निकाल चुके हैं, ये अगर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमने दोनों वैल्यूज पुट अप कर ली हैं और अगर हम यहाँ से साई को कॉमन ले लें है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई एच क्रॉस अपॉन साई इंटू डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 1 अपॉन साई, अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं देन वी गेट इन ब्रैकेट माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस साई पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल V। तो ये साई से साई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देन वी गेट I एच क्रॉस इंटू डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल वी साई। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही जो इक्वेशन है यही आपकी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और सही जगह से सही करके लिख लेता हूँ जिस फॉर्म में आपको ये प्रूफ की जाती है या दे देता है कि प्रूफ कीजिए ये इक्वेशन आपकी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, दैट मीन्स माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी साई इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, इस फॉर्म में आपको मिलती है या देखने को मिलेगी जो इक्वेशन वो क्वेश्चन पेपर में डेरिवेशन के साथ प्रूफ करने को आपको बोलेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन है टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, अब ये आपकी वन डायमेंशनल में थी, अगर हम यही इक्वेशन थ्री डायमेंशनल में लिखना चाहें तब क्या होगा, इफ पार्टिकल इज मूविंग
इनटू थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशनल स्पेस, देन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, तब हम इसी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम ब्रैकेट में डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस बी साई इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में माना था टाइम इंडिपेंडेंट में, लेट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, ठीक है। अगर हम साई को बाहर लेना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं एच क्रॉस स्क्वायर माइनस में टू एम डेल स्क्वायर प्लस वी, और आप यहाँ पर साई फंक्शन को बाहर लिख सकते हैं इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। तो ये भी आपकी एक फॉर्म हो जाती है किसकी, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन की, जब आपका पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल मूव करे, ठीक है, या फिर हम इसको ये भी आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप यहाँ पर छोड़ना चाहते हैं तो ये भी सही है, और अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये है आपका जब पार्टिकल थ्री डायमेंशनल में मूव कर रहा है, तो ये हो गया टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन व्हेन पार्टिकल मूविंग इनटू 3D, और ये हो जाएगा टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन व्हेन पार्टिकल मूविंग इन 1D, और 1D में भी अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो वो घुमा के आपसे y एक्सिस में भी दे सकता है, z एक्सिस में भी पूछ सकता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन व्हेन पार्टिकल मूविंग इन 1D अलोंग द y एक्सिस। तो आपको ये ध्यान रखना है, फिर आप यहाँ पर y लेकर चलेंगे अपॉन में, अगर z बोलेगा तो z लेकर चलेंगे। क्वेश्चन इसी तरीके से घुमाकर गलत किया जाता है, ठीक है, बच्चे से गलत इसी तरीके से करवाया जाता है कि वो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में घुमा देगा, बच्चे एक्स डायरेक्शन में ही करके आ जाएंगे पूरा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। तो ये आपका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन थ्योरेटिकल पार्ट सब कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और अगर आपको कोई सजेशन देना है या फिर अपने थॉट्स हम तक पहुंचानी है तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स का भी कोई बेनिफिट हो, तो आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें एक
एनर्जी मिले और कुछ बेहतर करने की। ठीक है, और कुछ बेहतर करवाने के लिए आपको हमसे कमेंट जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें जब तक कमेंट नहीं मिलेंगे तब तक हमें अपनी कमियों का पता नहीं चलेगा, क्योंकि वी आर नॉट ऑल्सो द 100% राइट। ठीक है, जितना हो सकता है पॉसिबल आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को एंजॉय करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।